आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री जी के द्वारा हर घर तिरंगा फहराने का आह्वान किया गया है, जो कि अलीगढ़ में 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक आज़ादी का महोत्सव मनाया जाएगा। इस महोत्सव में घर घर तिरंगा फहराने का लक्ष्य सामाजिक संस्थाओं से लेकर राजनेताओं ने अपने कंधों पर ले लिया है। वहीं आज सांसद सतीश गौतम के निर्देशों पर शहर के प्रमुख चौराहा क्वारसी पर ई रिक्शा व टेम्पो पर बैनर लगाकर आम जनमानस को जागरूक किया गया, जिससे आम नागरिक इस महोत्सव में अधिक से अधिक भागीदारी निभाएं और स्वयं अपने घरों व प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराएं। वहीं इस महोत्सव का पूरा देश बड़े धूमधाम के साथ मना रहा है। इसके तहत लोगों में राष्ट्र व प्रेम के प्रति सद्भावना की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। वहीं पार्षद विजय तोमर ने बताया कि आज़ादी का 75वें अमृत महोत्सव के तहत आज क्वारसी चौराहे पर ई रिक्शा व टेम्पुओं पर बैनर लगाकर आम जनमानस को इस महोत्सव के प्रति जागरूक किया और हम सड़कों पर उतरकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अमृत महोत्सव में अधिक से अधिक भागीदारी निभाएं और अपने प्रतिष्ठानों, दुकानों व घरों पर एक झंडा अवश्य फहराएं। मेरा नाम विजय तोमर पार्षद है, वार्ड नंबर 40 से पार्षद हूँ भारतीय जनता पार्टी से। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि हर घर तिरंगा लगेगा। एक हफ्ता पूरा देश तिरंगे के जश्न में मनाने में रहेगा और आज सांसद सतीश गौतम जी की मदद से हर वाहन पर वापसी तो आएगा, जो वाहन है हर वाहन पर तिरंगे का पोस्टर लगाया गया है और उसमें मेरे साथ काफ़ी कार्यकर्ता रहे मेरे, उन्होंने पूरे एक एक टेम्पो है, टिडरी है, बस है, सब पे हमने पोस्टर लगाया है, जिससे कि वो जितने भी सवारी हैं सब लोग अपने अपने उसे देखते हुए उत्साहवर्धन होगा कि वो मतलब जाके झंडे का तो आप राष्ट्रीय ध्वज प्रदान का फैलाने का काम है कि देश के प्रति हर इंसान को जागरूक होना चाहिए, उसके देश के प्रति आस्था बढ़नी चाहिए और ये काम हमारी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर हो रहा है। पहले देश के बारे में हर आदमी हर सरकार नहीं सोचती थी, लेकिन जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब पहल कर चुके हैं तो पूरे हर घर में तिरंगा हम दे रहे हैं, सरकार दे रही है और सबके घर घर लगाने का आह्वान किया जा रहा है, जिससे देश के प्रति लोगों की भावनाएँ बढ़ें और लोग समझें कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, देश पर क्या उत्पीड़न हुआ था, आज देश कितना आगे हुआ है मोदी जी के शासन में। तो इन चीज़ों से प्रेरणा मिलेगी हमारी आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, उसको ये रास्ता मिलेगा कि हमारे देश के लिए मोदी जी, योगी जी, चंद्रशेखर आज़ाद, जितने भी हमारे महापुरुष हैं, भगत सिंह, महात्मा गांधी जी, इन सब ने क्या योगदान दिया था, किस परिस्थिति से गुजरा था, तो उस चीज़ को लेते हुए हमारा बच्चा बच्चा जानेगा कि देश में हुआ क्या था। तो इस चीज़ के लिए देश में घर घर तिरंगा लगाने का आह्वान किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आपके वार्ड में किस तरीके से तैयारी चल रही है? हमारे यहाँ तैयारी जो है, फिलहाल तो झंडे मना दिए गए हैं, झंडे एक दो दिन में लगना शुरू हो जाएगा और गलियों को सजाया जाएगा और क्वारसी चौराहे को भी सजाया जाएगा, जिससे पता चलेगा कि देश के लिए हर एक हमारे यहाँ का जो इंसान है वो कितना आस्था रखता है। और प्रत्येक घर से मेरा आह्वान है और मैं घर घर जाके कह भी रहा हूँ, जैसे मैं रात भी निकला था तो हर घर में जाके कहा था मैंने कि झंडा जिस पे ना हो मुझसे ले, और हर अपने घर पर लगाना जरूर है, अनिवार्य है कि झंडा सबको लगाना है, प्रत्येक घर पर लगाना है।